good morning dear students god bless you all today i'll teach you maths okay so take out your maths book and open page number 11 okay and the today's topic is hands on okay and the heading is take the correct picture given In the clue box and write its number in the circle for each set of pattern. Okay? आपको क्या करना है? Correct picture के clue box में आपको tick करना है. Okay? Then आपको क्या करना है? इस circle box में number को भी लिखना है. Okay? तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं ओके लुक इन द फर्स्ट क्लू बॉक्स डियर स्टूडेंट्स, ओके हियर नंबर वन फ्लावर इज गिवन, ओके एंड इन नंबर टू कॉकरोच इज गिवन, ओके बट हियर इन द फर्स्ट नंबर कॉकरोच इज गिवेन एंड देन फ्लार इज गिवेन ओके दिस इज नॉट द करेक्ट सेट ऑफ पैटर्न ओके डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हो इस क्लू बॉक्स से ऊपर वाले सेट का बॉक्स मैच नहीं हो रहा है ओके okay? आप देख रहे हो नंबर वन में क्या दिया हुआ है फ्लार दिया हुआ है ओके बट हेयर कॉकरोच गिवेन सो दिस इज नॉट द करेक्ट सेट ऑफ पैटर्न ओके सो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हो cockroach का नंबर यहां पे क्या दिया हुआ है नंबर 2 सो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे नंबर 2 ओके और यहां पे आप देख सकते हो कि फ्लावर का नंबर क्या दिया हुआ है नंबर वन ओके आप सभी को पता है कि नंबर टू नंबर वन के बाद में आता है सो दिस पैटर्न इज रॉन्ग इस वजह से हम लोग यहां टिक का साइन नहीं करेंगे ओके डियर स्टूडेंट्स लुक इन द सेकेंड क्लू बॉक्स ओके हियर नंबर थ्री अम्ब्रेला इज गिवेन एंड नंबर फोर बटरफ्लाई इज गिवेन ओके सो यू कैन सी हियर दिस सेट ऑफ पैटर्न इज मैचिंग विद द क्लू बॉक्स आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये सेट ऑफ बॉक्स का पैटर्न इस क्लू बॉक्स से क्या कर रहा है मैच कर रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे अम्ब्रेला नंबर थ्री पे है ओके एंड बटरफ्लाई नंबर फोर पे है सेम यहाँ पे भी अगेन अम्ब्रेला नंबर थ्री पे है एंड बटरफ्लाई नंबर फोर पे है सो so, फर्स्ट हम क्या लिखेंगे अम्ब्रेला के लिए नंबर थ्री ओके देन बटरफ्लाई के लिए नंबर फोर डियर स्टूडेंट्स कॉमा देना बहुत ही कंपल्सरी है ओके सो दिस इज द करेक्ट सेट ऑफ पैटर्न इसलिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे टिक का मार्क करेंगे यस दिस इज

तो हम क्या लिखेंगे यहां पे नंबर फाइव ओके अगेन एक कॉमा आपको यहाँ पे डालना है ओके देन नंबर सिक्स और ये पैटर्न बिल्कुल सही है इस वजह से हम क्या करेंगे टिक का मार्क करेंगे ओके okay? So, आप देख रहे हो ना यहाँ पे सन कौन से नंबर पे है नंबर फाइव पे और क्लाउड कौन से नंबर पे है नंबर सिक्स पे ओके okay? तो नंबर फाइव नंबर सिक्स के पहले आता है ओके okay? और फाइव के बाद में कौन सा नंबर आता है नंबर सिक्स दैट इज वाई ये पैटर्न क्या है बिल्कुल सही है ओके okay? लुक इन द लास्ट क्लू बॉक्स डियर स्टूडेंट्स ओके आप देख रहे हो नंबर सेवन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे वाटर कैन दिया हुआ है ओके एंड नंबर एट में कौन सा पिक्चर है ये सनफ्लावर है लेकिन आप देख रहे हो ना यहाँ पे इस बॉक्स में फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है सनफ्लावर देन क्या दिया हुआ है वाटर कैन ओके so number for the sunflower is 8 okay 8 okay sunflower is number 8 and for water can is number 7 okay आप देख रहे हो ना इस क्लू बॉक्स से ये मैच नहीं हो पा रहा है आपको पता है कि नंबर 7 पहले आता है देन नंबर 8 आता है बात आप देख रहे हो ना कि सनफ्लावर यहाँ पे किस पे कौन से नंबर पे दिया हुआ है नंबर एट पे दिया हुआ है सो so, सबसे पहले हम लोग सेवन के पहले क्या लिखेंगे एट लिखेंगे ओके okay? देन हम लोग क्या लिखेंगे नंबर सेवन तो ये क्या सो so, ये क्या है ये रॉन्ग पैटर्न है इस वजह से हम लोग यहाँ पे टिक का साइन नहीं करेंगे ओके okay? तो आप देख रहे हो ना कि नंबर एट पे क्या है फ्लावर है एंड नंबर सेवन पे क्या है वाटर कैन है ओके दैट्स वाई हम लोगों ने सेवन को लास्ट में लिखा है और एट को पहले लिखा है ओके डियर स्टूडेंट्स दिस इज योर क्लास वर्क ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन्शन हियर डेट एंड टूडेज डेट इज सिक्सटीन नाइन टू थाउजेंड ट्वेंटी ओके एंड राइट डाउन हियर work डियर स्टूडेंट्स आप अपने वर्क को नीट एंड क्लीन करें बहुत सारे बच्चे बहुत गंदे तरीके से क्लास वर्क कर रहे हैं सो so, मैं मैम चेक नहीं करेंगे आप अगर आप अच्छे से आप नहीं करते हो तो ओके okay?